Good morning students. Today we will study subject maths chapter 12 topic algebraic expression. In first part we saw exercise 12.1. Now we are on exercise 12.2. Our first term is simplify combining like term. First is 21b minus 32. Plus +7b minus -20b first we arrange the like term here you see 21b plus 7b and minus -20b are a like term so first 21 plus 7b then i write minus -20b plus 32 here are like term 21 and 7 are like term so 21 plus 7 is 28b then like term minus 20b plus 32 then again simplify 28b minus 20b is 8b plus 32 that is our answer then third one second one is for your homework

So first we change the all signs. Here is a plus a, so minus a, minus minus plus b, plus minus minus b. So first 3a minus 2b minus ab, minus a minus minus plus b minus ab, plus 3ab plus b and minus A. E. Then we arrange the like terms. See here 3a, a and minus a like terms so i write in one bracket all like terms 3a minus a minus a then minus 2b bb vale 2b here is b and here is b so minus 2b plus b plus b plus b then minus ab minus ab minus ab plus 3ab ए बी और ए वाले लेग टर्म हमने तीनों अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिए। नाउ वी सिंप्लीफाई अब हम इसको इक्वल टू की साइन लगाएंगे सिंप्लीफाई करेंगे 3a माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस सो वी राइट हियर 3a ए माइनस टू ए देन माइनस टू b बी प्लस बी टू प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ए बी माइनस ए बी इट मीन्स माइनस टू ए बी प्लस थ्री ए बी ओके देन थ्री ए माइनस टू ए इट मीन्स वन ए वन ए लिखोगे तो भी चलेगा ए लिखोगे तो भी राइट है देन प्लस टू बी माइनस टू बी प्लस टू बी दैट इज अ जीरो प्लस माइनस कैंसल प्लस माइनस टू बी प्लस थ्री ए बी हेयर बोथ साइन डिफरेंट सो वी राइट हेयर प्लस ए बी थ्री ए बी में से टू ए बी गया तो देट इज अ वन अब साइन इज बिगर इंटीजर तो थ्री और टू में से कौन सा बिगर इंटीजर है दैट इज अ थ्री सो वी राइट हेयर प्लस ए बी और थ्री को कौन सी साइन है प्लस सो आई राइट हियर प्लस ए बी सो अवर फाइनल आंसर इज ए प्लस ए बी जीरो को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगामर्क फाइव एक्स स्क्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई एक्स स्क् माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क् माइनस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर लाइक टर्म अरेंज कर देंगे थ्री वाई एक्स स्क्वायर देखो ये दोनों सेम ही है मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस एट एक्स वाई प्लस माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर अब ये तीनों ही लाइक like टर्म है ना हमारे पास फाइव एक्स स्क्वायर वाई सॉरी ये दोनों ही है माइनस थ्री वाई माइनस वाई स्क्वायर इट मीन्स फोर वाई स्क्वायर फोर प्लस थ्री सेवन वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई स्क्वायर दैट इज अवर आंसर देन फोर्थ वन थ्री वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एट वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर तो पहले साइन चेंज कर देंगे यार माइनस साइन है तो सबको लगेगी एक को ही नहीं सो माइनस एट वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर देन थ्री वाई स्क्वायर एंड हेयर इज वाई स्क्वायर दोनों को एक में फाइव वाई माइनस एट वाई वन ब्रेकेट माइनस फोर प्लस फोर ओके okay, तो ये कितना हो जाएगा थ्री वाई और वन वाई देर इट इज देन माइनस थ्री वाई बड़े इंटीजर की साइन माइनस प्लस माइनस एट माइनस फाइव थ्री एंड बिगर इंटीजर इज एट एंड इट इज माइनस सो माइनस थ्री वाई माइनस फोर प्लस फोर इज इज अ Zero. So our answer is a four y square minus three y. And second and third sum of question number one is for your homework. Question number two. Here is eight. Eight. It means addition. First one is three mn minus five mn, eight mn and minus four mn. All are like term. ओके सो फर्स्ट वी अरेंज प्लस प्लस जो प्लस वाले हैं वो अरेंज कर देते हैं थ्री एम एन प्लस एट एम एन प्लस बीच में ब्रैकेट के बाहर माइनस फाइव एम एम माइनस फोर एम एन एट प्लस थ्री इज इक्वल टू इलेवन एम एन प्लस माइनस नाइन एम एन इलेवन एम एन माइनस नाइन एम एन इज इक्वल टू टू एम एन बिगर इंटीजर इज इलेवन एंड इलेवन है इलेवन और इलेवन इज प्लस सो टू एम एम इट इज अवर आंसर देन सेकंड वन टी माइनस एट टी जेड कॉमा थ्री t z minus z comma z minus t t t like term t and here is minus t so i write in 1 bracket then minus 8 tz plus 3 tz and here is minus z and here is plus z okay so t minus t is 0 plus

And here is a minus phi t z minus z. Then second one is z minus t. So plus z. Here is minus t. Here is not any lactam. So we write there 0. Here is plus minus 0. Plus and minus. Here is phi t z. And here is 0. So answer is phi t z. So students, we can solve.

प्लस ट्वेल्व एम एम नाइन एम एम माइनस टू एम एम प्लस फाइव प्लस टू माइनस एट माइनस थ्री फर्स्ट वी सॉल्व दिस टू वन हम ये दोनों को सॉल्व कर देते हैं द आंसर इज ट्वेल्व माइनस सेवन ट्वेल्व में से माइनस सेवन दैट इज सेवन एट नाइन टेन इलेवन टींस प्लस फाइव एम एन फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे दैट इज ऑल्सो प्लस फाइव बिकॉज इज आर बिगर इंटीजर इज ट्वेल्व हियर आल्सो ऑल्सो बिगर इन इंटीजर इज नाइन सो आई राइट देयर प्लस नाइन माइनस टू इज सेवन एम एन ओके हियर ऑल्सो प्लस सो हियर इज फाइव सेवन एंड हियर इज माइनस इलेवन फाइव हियर इज ट्वेल्व एम एम इधर प्लस की साइन है प्लस सेवेंथ हेयर इज आंसर इज माइनस माइनस फोर ओके सो हियर फाइनल आंसर ट्वेल्व एम एन माइनस फोर ओके समझ में आ गया कि दोनों को माइनस की साइन कैसे देनी है और प्लस के बीगर इंटीजियर की हम साइन लगाएंगे दैट इज हेयर इज ट्वेल्व सो आई राइट हेयर फाइव प्लस फाइव अगर इधर माइनस ट्वेल्व होता तो हम माइनस फाइव लिखते बट हियर इज प्लस ट्वेल्व एंड बिगर इंटीजर इजर इज ट्वेल्व सो हियर आई राइट प्लस फाइव देन फोर्थ वन ए प्लस बी माइनस थ्री तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म बी माइनस ए प्लस थ्री ए माइनस बी प्लस थ्री ए ए एंड ए, ए माइनस ए ए बी प्लस बी माइनस पी माइनस थ्री प्लस थ्री थ्री बीच में हम प्लस की साइन हियर यू सी प्लस माइनस दैट इज अ कट सो हियर इज हियर माइनस प्लस कट सो बी हियर कट हियर इज प्लस थ्री सो अवर आंसर इज ए प्लस बी प्लस थ्री दैट इज अवर आंसर और सेकंड मेथड से करना चाहो तो फर्स्ट ए प्लस बी माइनस थ्री हेयर इज प्लस बी प्लस थ्री एंड माइनस ए अरेंज हो गया देन कट ए प्लस ए टू बी बोथ आर कट हियर इज टू बी देन आई अरेंज ए माइनस बी प्लस थ्री हेयर इज नो एनी डिजिट वी राइट हियर जीरो सो ए हियर इज बी प्लस थ्री सो अवर आंसर इज ए प्लस बी प्लस थ्री हम दोनों तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हैं ओके नाउ फिफ्थ वन सी फोर्टीन एक्स प्लस टेन वाई माइनस ट्वेल्व एक्स वाई माइनस थर्टीन एटीन माइनस सेवन एक्स माइनस टेन वाई प्लस एट एक्स वाई कॉम हियर इज फोर एक्स वाई लाइक लाइकटम फर्स्ट फोर्टीन एंड सेवन एक्स 10y plus 10y minus 10y plus minus 12xy plus 8xy plus 4xy minus 13 and plus 18. 14x minus 7x is 7x. Donos is plus minus 0. Here also 12, 8x plus 4 is equal to. कर देंगे माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स वाई सो इट इज एक्स वाई एंड हियर इज एटीन माइनस थर्टीन इज इक्वल इंटीजर सो वाई राइट हियर प्लस एटीन सो हियर इज जीरो हम नहीं लिखेंगे सेवन एक्स प्लस फाइव दैट इज अवर फाइनल आंसर सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन दिस फाइव क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क फाइव एम माइनस सेवन एम थ्री एन माइनस फोर एम प्लस टू टू एम माइनस थ्री एम एम माइनस फाइव इसको आपको खुद सोल्व करना है सॉल्व योर सेल्फ फोर एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस फाइव एक्स वाई स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर वाई थ्री पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी क्यू प्लस फाइव माइनस टेन पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस comma 15 plus p 9 p q plus 7 p square q square ab minus 4a 4b minus ab 4a minus 4b x square minus y square minus 1 y square minus 1 minus x square 1 plus x square minus y these 5 terms 5 polynomial for your homework क्वेश्चन नंबर थ्री सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट वन इज माइनस फाइव वाई स्क्वाई स्क्र इन सब फर्स्ट वे राइट फ्रॉम नंबर फर्स्ट फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है देट वी राइट फर्स्ट जस्ट वाई माइनस साइन देन माइनस फाइव वाई स्क्वायर इन सच वे देन वाई स्क्वायर

साइन बिगर इंटीजर एंड अवर बिगर इंटीजर आल्सो माइनस सो माइनस ट्वेल्व एंड सिक्स इट मींस एटीन एक्स वाई देट इज अवर आंसर थर्ड वन एज इट इज फ्रॉम वाला नंबर फर्स्ट फर्स्ट वी राइट एक्स प्लस वाई देन के माइनस साइन देन ए माइनस बी बाहर माइनस की साइन है अंदर की साइन चेंज करेंगे ए प्लस बी सेम टू सेम माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी ओके सो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी फिर अरेन्ज कर देंगे ए माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस ए इट मींस जीरो प्लस ए प्लस बी इज टू बी सो अवर आंसर इज टू बी हियर ए बी माइनस फाइव फोर्थ वन इज ए

येयर इन सेम वे हेयर इज माइनस साइन सो हर इज ए बी एंड माइनस फाइव एयर माइनस साइन सो वी चेंज ऑल साइंस हम सबको चेंज कर देंगे ए बी माइनस माइनस प्लस फाइव ए अब ए बी वाले दैट इज ए टू टर्म सी बी एंड ईयर फाइव ए वो दोनों अलग है सो हेयर माइनस टू ए बी माइनस माइनस प्लस नो एनी नंबर सो वी कंसिडर देर वन वन प्लस वन टू ए बी प्लस फाइव ए दैट इज अवर आंसर अगर आप इसको अरेन्ज करना चाहो तो ए पहले लिखना चाहो तो माइनस फाइव ए माइनस टू ए बी प्लस फाइव बी ऐसे भी आप लिखोगे दैट आल्सो राइट आंसर अगर सेम टू सेम लिखा दैट इज आल्सो राइट देन फिफ्थ वन फर्स्टली राइट फॉर्म नंबर फोर एम स्क्वेयर माइनस थ्री एम एन प्लस एट

Plus minus 3 mn minus 5 mn plus 8. Here is no any number. So 4 plus 1 5 m square plus minus 8 mn minus minus plus plus 8. So our answer is 5 m square. प्लस माइनस माइनस एट एम एन प्लस एट दैट इज अवर फाइनल आंसर एंड ही आर सिक्स वन एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस फाइव फ्रॉम माइनस फाइव एक्स प्लस टेन दैट इज फॉर योर होमवर्क बिकॉज ऑल दिस सम्स इन सेम मेथड जो मैंने आगे किए वैसे ही सेम आपको सोल्व करने हैं सो दैट इज फॉर योर होम फाइव ए स्क्वायर माइनस सेवन ए बी प्लस फाइव बी स्क्वायर From 3ab minus 2a square minus 2b square that also for your homework. 4p 4pq minus 5p square minus 3p square. From 5p square plus 3q square minus pq. All 3, 6, 7 and 8 sum for your homework. Fourth one. What should be added to x square plus xy plus y square?

टेन हमें क्या चाहिए दैट इज ए टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई ओके सो वी फाइंड वेल्यू ऑफ वाय सॉरी वैल्यू ऑफ ए हम वैल्यू ऑफ ए फाइंड कर लेट वी शुड एड इट अब वैल्यू ए क्यू फाइंड करनी है तो ए हम वही पे रख देंगे दिस इसको मैं क्या कर दूंगी वॉट आई डू जस्ट आई शिफ्ट इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट कर दूंगी तो फर्स्ट ए सेम टू सेम प्लेस देन की कौन सा नंबर है सेम टू सेम टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई देन आई मैंने शिफ्ट किया तो साइन क्या हो जाएगी चेंज सो आई कीप हियर साइन ये इधर प्लस था तो इधर मैं क्या लिख दूंगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर देन आई सॉल्व अब हम सॉल्व कर देंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई साइन चेंज हो जाएगी बाहर माइनस की साइन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर ओके अब हम अरेंज कर देंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओके देन थ्री एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई के साथ कुछ नहीं है तो हम सेम टू तो सेम सेम लिख देंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना हो जाएगा कुछ नहीं है दे आई राइट दियर वन टू माइनस वन दन एक्स स्क्वेर एंड बिगर इंट इज इज टू सो यर इज अ प्लस यार आल्सो थ्री एक्स वाई माइनस एक्स वाई इधर नो एनी नंबर सो वन थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर सो व आंसर इज एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर ट इज अवर आंसर इसको ऑरेंज करके लिखना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई दट आल्सो योर विश अब फाइनल स्टेटमेंट हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई शुड बी शुड बी एडेड टू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू गेट टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई इसे करके हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे ओके देन बी वन वॉट शुड बी सेप्ट्रिक एन ए में हमने वॉट शुड बी एट था हियर इज अ सेप्ट्रिक फ्रॉम टू ए प्लस एट बी प्लस टेन गेट माइनस थ्री ए प्लस सेवन बी प्लस सिक्सटीन ओके तो हमें इसमें क्या सब करना है वो हमें लिखना है ओके okay, तो सब वाला तो हम पहले ही लिख देंगे ओके okay, ये हम पहले लिखते हैं you यू नो know. सबट्रेक वाला फर्स्ट टू ए प्लस एट बी प्लस टेन अब मुझे क्या सब करना है सो आई राइट देयर माइनस ए वॉट वी विल गेट थ्री ए प्लस सेवन बी प्लस सिक्सटीन अब ए को मैं शिफ्ट कर दूंगी बिकॉज हियर इज अ माइनस ए माइनस है तो इसको प्लस की ए की वैल्यू चाहिए सो आई शिफ्ट ए हियर टू इन इट मीन्स आई से लेफ्ट साइड टू राइट साइड तो इसकी साइन में चेंज कर दूंगी और इससे ये है इसको आगे शिफ्ट कर दूंगी मैं एक दूसरे को शिफ्ट कर दूंगी सो वी राइट देयर हियर टू ए प्लस एट बी प्लस टेन ओके हियर में यू माइनस साइन थ्री ए प्लस सेवन बी प्लस सिक्सटीन इसको मैंने शिफ्ट कर दिया और साइंस क्या कर दी चेंज इसको मैंने शिफ्ट कर दिया देन ए प्लस ए अब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी सो वी राइट हियर टू ए प्लस एट बी प्लस टेन देन माइनस माइनस प्लस थ्री ए एंड हियर सेवन बी माइनस सेवन बी माइनस सिक्सटीन ए वाले अरेन्ज कर देंगे 2a plus 3a, 8b minus 7b, 10 minus 16. 2a plus 5, 3a it means 5, 1b, bigger integer, 8, so plus sign. And here is in the bracket is minus 6, because 16 is minus. So our answer is 5. Plus b minus six. Okay, that is our final answer. So, therefore, five plus b minus six should be subtract from two a plus eight b plus ten.

सो इट मींस माइनस सो फर्स्ट फ्रॉम वाला नंबर है इज रूटिंग फर्स्ट वी राइट फ्रॉम फर्स्ट वी राइट थ्री एक्स स्क् माइनस फोर वाई स्क्वाई प्लस ट्वेंटी अवे सो आई राइट दी देर कैपिटल ए इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस ट्वेंटी ओके अवे करना है एंड वी नीड द आंसर ऑफ प्लस ए सो आई शिफ्ट यर लेफ्ट साइड टू राइट साइड मैं इसे शिफ्ट कर दूंगी सो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई प्लस ट्वेंटी हियर माइनस साइन इसको इस साइड लेके आ रही हूँ साइन चेंज हो जाएगी सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू ओके देन वी अरेंज थ्री एक्स स्क्वायर Sorry, first we change the sign plus 5xy plus 20, then minus minus plus x square plus y square minus 6xy minus 20 is equal to a. Then arrange 3x square plus x square minus 4y plus y square, 5xy minus 6xy plus 20 minus 20 is equal to a so here 3x square plus x square is equal to 4x square minus 3y square bigger integer sign 4 minus 1 3 plus xy 6 minus 5 minus xy bigger integer is 6 plus 20 minus 20 is equal to 0 is equal to a so a value is 4x square minus 3 is y square minus xy okay this is our answer so final statement thus 4x square minus 3xy minus xy should be taken away from 3x square minus 4y square plus 5xy plus 20 to obtain minus x square minus y square plus 6xy plus 20 that is our final step. क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्रॉम द सम ऑफ 3x एक्स माइनस वाई प्लस इलेवन एंड माइनस वाई माइनस इलेवन सब थ्री एक्स वाई माइनस इलेवन फर्स्ट फ्रॉम फ्रॉम वाला हमें आगे लिखना है बट सम ऑफ सम इट मीन प्लस सो पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे ओके सो फर्स्ट वी डू प्लस एडिशन

सो थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस टू वाई ईर इज जीरो सो हमें मिल गया थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस माइनस माइनस फ्रॉम वाला पहले लिखना है सो इट इज फर्स्ट हो गया देन सब ट्रेक इट मींस माइनस थ्री एक्स माइनस वाई माइनस इलेवन देन साइन चेंज कर देंगे बिकॉज यर इज माइनस साइन so so minus sign so minus 3x minus here is no bracket minus 3x minus minus plus y minus minus plus 11. arrange like term 3x minus 3y minus 2y y plus 11. Here is minus cut, here is 0, here is bigger integer is minus, so minus y plus 11. So, answer is minus y plus 11, that is our final answer. And here, from the sum of 4 plus 3x and 5 minus 4x plus 2x square. फर्स्ट सम ऑफ तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस सो फोर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर ओके अब इन दोनों को प्लस करेंगे सो फोर प्लस फाइव थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर फोर प्लस फाइव नाइन माइनस एक्स Plus 2X square. Okay. And from it means it was मींस comes फर्स्ट ये हम एक लिख देंगे इस तर नीचे करके देन सब द सम ऑफ सब करना है किसको सम ऑफ इन दोनों का भी हमें प्लस करना है सो यर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर plus 2x plus 5. Sum it means plus so we arrange like terms 3x square minus x square minus 5x plus 2x plus 5. So here is 2x square plus bigger integer minus so minus 3x plus minus minus plus 5. So 2x square minus 3x and 5x. इन दोनों का सम मिल गया क्वेश्चन में इन दोनों का भी सम प्लस वी गेट फ्रॉम हियर दिस एंड दिस इन दोनों का जो प्लस है दैट इज अ फ्रॉम तो फर्स्ट वी राइट देयर दैट वन ऑल्सो हम पहले इसको लिख देंगे नाइन माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर देन सब ट्रैक है तो माइनस की साइन दे देंगे देन वी राइट टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव देन अरेज नाइन माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर साइन चेंज कर देंगे माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव अरेन्ज कर दें नाइन माइनस फाइव माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर नाइन माइनस फाइव फोर plus 2x 3 minus x is 2x and here is 0 2x square minus 2x squared, cut it means 0 so 4 plus 2x 4 plus 2x is our final answer